दोस्तों राम राम सभी को। जय नगर बनागी। हम खड़े हैं बीकानेर से 70 किलोमीटर पहले एक नंदनवन गौशाला है, उस गौशाला से थोड़े से आगे 7-8 किलोमीटर आगे खड़े हैं यहाँ। और यहाँ पे एक नगद बनासा का मंदिर है, उस मंदिर के पास में खड़े हैं। मैं किसी निजी काम से बीकानेर जा रहा था, सर्दी का मौसम है और आज 4 दिसंबर है सॉरी। तो हम इधर से गुजर रहे थे और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ गोवंश जो है एक किसी छोटे से खेली के इर्द गिर्द खड़े थे और संभवतया ये प्यासे लग रहे थे। मेरे साथ मेरा मित्र है, मैं अभी आपको उसका वीडियो बताऊंगा। तो वो बाबू ब्रह्मचारी है, बनियाना के जानी है। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे एकाएक गाड़ी रोकने का बोला। मैंने गाड़ी रोकी और उन्होंने कहा कि यहाँ अपन इर्द गिर्द पानी कहीं पर देखते हैं और इन गोवंश को जो है पानी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे ये टांका था, इस टांके के अंदर काफ़ी पानी है और एक इधर उधर से बाल्टी मैनेज की और बाबू ने इन खेलियों के अंदर 1008 बाल्टी पानी डाला है। और यहाँ बहुत सारे नंदी बैल है, कुछ गो माताएँ हैं, कुछ छोटे बछड़े भी हैं और कुछ पी के चले गए हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने पानी पिलाया, मैंने और बाबू ने मिल के काफ़ी बाल्टियाँ डाली है। और नंदनवन गौशाला के आगे काफ़ी श्लोक लिखे हुए थे, उनसे हमारे को ये प्रेरणा मिली और हमने जो है गो माता की सेवा की। जय माता दी, जय गो माता, जय जसनाथ जी महाराज, जय तेजा जी, जय भीम।